नमस्कार दोस्तों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो में तहदिल से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा सारे इंडिया रिफंड स्टेटस के बारे में। अगर आपका या फिर किसी परिचित का पैसा सारे इंडिया परिवार में फंसा है तो आपके लिए बहुत खुशखबरी है। सरकार की तरफ से सोमवार को संसद में जानकारी दी गई कि निवेशकों को पैसा कब वापस होगा। सेबी ने 138.07 करोड़ ही वापस कर पाया है। सरकार ने संसद में बताया कि सेबी सहारा के निवेशकों को अब तक ब्याज सहित कुल 138.07 करोड़ ही वापस करवाए। जब एक प्रश्न का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को बताया कि सारा इंडिया रियल इस्टेट कॉरपोरेशन और लिमिटेड SIRECL ने 232.85 लाख निवेशकों से 19,400.87 करोड़ रुपए और सारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 75.14 लाख निवेशकों से 6,380.50 करोड़ एकत्रित किए। खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए ही जमा किए। उच्चतम न्यायालय के 31 अगस्त 2012 के आदेश के बाद के आदेशों के अनुसार सारे इंडिया के निवेशकों में जमा की गई 25,781.37 करोड़ रुपए की मूल राशि के मुकाबले 31 दिसंबर 2021 तक सेबी सारा रिफंड खाते में 15,503.69 करोड़ रुपए जमा किए गए। वित्त राज्य मंत्री ने कहा सेबी को 81.70 करोड़ रुपए की कुल राशि के लिए 53,642 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक से जुड़े 19,644 आवेदन प्राप्त है। इसमें से सेबी ने 138.07 करोड़ रुपए की कुल राशि 48,326 ओरिजिनल बॉन्ड सर्टिफिकेट पासबुक वाले 17,526 एलिजिबल बॉन्ड होल्डर्स को ही रिफंड किया। मिलते हैं नई वीडियो से, तेज जानकारी से हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। तब तक नीचे हिंद वंदे मातरम।